4 सितंबर 2023 से लेकर के 30 दिसंबर 2023 तक देव गुरु बृहस्पति वक्र गति से संचरण करने वाले हैं। ग्रह वक्र स्थिति में हो तो क्या करता है और वक्री ग्रह यदि क्रूर हो जाए तो उसके क्या उपाय हैं, इन तमाम बातों की हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति कई स्थानों पर कारक होते हैं, चाहे वो ज्ञान का कारक हो, संतान का कारक हो, वाणी का कारक हो, धन का कारक हो, भाग्य का कारक हो या कार्य क्षेत्र के कारक हो, इन सब स्थानों पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है देवगुरु बृहस्पति की। क्योंकि सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं तो इनका वक्र गति से चलना, राशि परिवर्तन करना, मार्गी होना, ये बहुत बड़ा प्रभाव राशियों पर डालता है। आपको यह भी बताते चलें कि जब भी ग्रह वक्री होता है, ये सूर्य से जब अत्यधिक दूरी बना लेते हैं तब ग्रह वक्र गति से संचरण करता है और वक्र गति का मतलब ये विपरीत दिशा की ओर घूमने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो विपरीत दिशा की ओर चल रहा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी ग्रह वक्री होता है तो ये एक भाव पीछे का फल देने का कार्य करता है। यानी मेष राशि में संचरण करते हुए देवगुरु बृहस्पति जो रिजल्ट देंगे वो रिजल्ट मीन राशि के हिसाब से आपको देने का कार्य करेंगे। बात हम मकर राशि की करते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए कैसी स्थिति थी, तो मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति थी वो चतुर्थ भाव में थी। देवगुरु बृहस्पति वक्र गति को प्राप्त करेंगे तो ये आपको पराक्रम का रिजल्ट देने का कार्य करेंगे, यानी तीसरे भाव का। और तीसरे भाव में भी देवगुरु बृहस्पति चूंकि कारक नहीं होते हैं तो मकर राशि के जातकों को थोड़ा सतर्क सावधान अवश्य रहना है। विशेषकर स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें मकर राशि के जातकों को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि में, क्योंकि मकर राशि पर शनि का प्रभाव है और चतुर्थ भाव में राहु, दशम भाव में केतु, तो कहीं ना कहीं माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सतर्क सावधान रहना है। मन में भटकाव उत्पन्न हो सकते हैं कार्य क्षेत्र को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सतर्क सावधान रहिएगा। मानसिक डिप्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। यदि आप मकर राशि के जातक हैं, आपके लिए वक्र गति का प्रभाव बहुत शुभ नहीं है। आपको हर गुरुवार को गाय माता को गुड़ व पीले चने की दाल जरूर देनी चाहिए और कच्ची हल्दी का थोड़ा सा तिलक करें, अपने मस्तिष्क पर भी लगाएं और अपने हृदय पर भी लगाइएगा, निश्चित ही लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो कैसी आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और यदि आप जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, किसी भी पूजा पाठ हेतु कोई संपर्क करना चाहते हैं तो निश्चित ही आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।